आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग चल रही है उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि कट ऑफ नहीं जानोगे तो आप कैसे समझ पाओगे कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की जो कट ऑफ है, जो अभी चल रही है काउंसलिंग, उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और ये कट ऑफ की मदद से आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरने में भी आसानी होगी। मैं कल आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट पे भी वीडियो लाऊंगी, आप कमेंट कर देना। तो प्रेफरेंस लिस्ट भरने के लिए पहले आपको कट ऑफ समझनी होगी। तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा तभी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप सीरियस हो ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीट लेने के लिए तो ये वीडियो क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। नीट की काउंसलिंग मैं शॉर्ट में एक बार आपको बताती हूँ, दो होती है, एमसीसी और आयुष। आयुष को किनारे करो, अभी एमसीसी काउंसलिंग चल रही है। एमसीसी में भी दो होती है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग को भी किनारे करो क्योंकि स्टेट काउंसलिंग अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हम आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भी तीन कोर्स हैं, MBBS, BDS और आपकी BSc नर्सिंग। फिलहाल हम सिर्फ MBBS के बारे में बात करेंगे, BDS और BSc नर्सिंग का नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, सिर्फ MBBS की कट ऑफ के बारे में जिक्र करेंगे कि कितने मार्क्स वालों को, कितने रैंक वालों को कैटेगरी वाइज इस MBBS मिल सकता है कि नहीं मिल सकता इस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पे, कितने रैंक पे किन बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। एक ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद इसकी डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, देखो MBBS के लिए अगर शॉर्टकट में आपको समझाऊँ तो इसे समझ लो, उसके बाद आपको थोड़ा डिटेल में भी समझना होगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना। तो ये जो मार्क्स हैं वो जनरल वालों के लिए 655 प्लस होने चाहिए। लगभग 660 नंबर तक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की कट ऑफ जाएगी जनरल वालों के लिए। रैंक में बता दूं तो लगभग 24,800 रैंक। देखो रैंक में इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जो आपकी सीट्स हैं वो बहुत कम है, और एक एक मार्क्स पे हज़ारों हज़ारों बच्चे हैं। इस बार हो सकता है 600 नंबर पे 500 बच्चे हों, और मैं कह दूँ 600 कट ऑफ, तो बाकी के जो 499 बच्चे हैं वो तरसेंगे कि मैम ने 600 कट ऑफ बताया था और हमारा तो हुआ नहीं। तो इसलिए यहां पे आपके लिए रैंक बहुत मायने रखती है, रैंक समझना, क्योंकि एक एक मार्क्स पे कई सारी रैंक है। ये रैंक कैसे डिसाइड होती है शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, आपका तीनों का मिला के 600 नंबर आया, किसी अदर का भी तीनों का मिला के 600 नंबर आया, पर बायोलॉजी में यहाँ प्रेफरेंस दी जाती है। अगर किसी बच्चे के बायोलॉजी में मार्क्स ज़्यादा है, दूसरे के कम है, और दोनों के टोटल मार्क्स 600 हैं, तो जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा है उसको रैंक कम दी जाएगी। तो जिस बच्चे के मार्क्स बायोलॉजी में ज़्यादा होंगे उसको मान लो रैंक 24,000 दी गई, और जिसके उसके आगे हैं तो 24,001 रैंक दे दी गई। यानी कि जिसके बायोलॉजी में मार्क्स ज़्यादा हैं उसको रैंक कम मिलेगी। बात समझ में आई आपको? खैर इसको हटाते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक एक मार्क्स पे 600 नंबर है तो उस पे हज़ारों हज़ारों बच्चे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रैंक ज़्यादा स्पेसिफाई कर रही हूँ, आप रैंक पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो जनरल वाले बच्चों के 655 प्लस होने चाहिए तब जा करके आपको सीट मिल पाएगी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में और MBBS में। ठीक है, अच्छा EWS वालों की कम से कम 645 मार्क्स तक होने चाहिए तब आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में MBBS की सीट मिल पाएगी। रैंक की बात कर लूँ तो 27,750 या 27,800 तक आप मान के चल सकते हो। इसके बाद OBC की बात कर लूँ तो 650 प्लस पे आपको सीट मिल पाएगी MBBS की। 24,750 या 24,800 तक आप रैंक मान सकते हो, एक अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सब एक्सपेक्टेड ही है, कोई एग्जैक्ट रैंक नहीं बता सकता काउंसलिंग ख़त्म होने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है SC कैटेगरी के लिए 550 प्लस है आपका तो भी आपके लिए चांसेस हैं। 142,000 तक रैंक है आपकी, 143,000 भी है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, चांसेस हैं आपके लिए। ST वालों के लिए 510 मार्क्स अगर हैं तो भी आपके लिए चांसेस हैं। 192,000 तक आपकी रैंक है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पूरे इंडिया का मैंने बता दिया कि जो 15% सीट्स हैं उसमें आपकी कितने मार्क्स पे, कितने रैंक पे आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन एक मेन मुद्दे की बात यह है बच्चों, एक बात ध्यान से समझना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात है लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से समझो, आपके बड़े काम आएगी प्रेफरेंस भरने में। क्योंकि प्रेफरेंस सही से नहीं भरोगे तो आपके भले ही अच्छे मार्क्स हों आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, यहाँ प्रेफरेंस बड़ी मैटर करती है। ओके, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखो और एक एक बात समझो। देखो पहले मैं बताऊँ कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है।
सबसे पहले तो एम्स पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर पार्टिसिपेट कर रहा है BHU, उसके बाद है आपके जिपमर, फिर है AMU और है JMI, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनकी 100% सीट पार्टिसिपेट करती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और इन सभी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है, तो इनकी बात हम किसी अदर वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ 15% सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। इसका क्या मतलब है समझो, इसका मतलब आपको समझना होगा, इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस को छोड़ के जो मैंने अभी अभी बताए, इनको छोड़ के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट नहीं, डीम्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी टोटल सीट का 15% सीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग में। ठीक है, जैसे मान लो आपके नागपुर में GMC कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, तो उसमें टोटल 100 सीट है मान लेते हैं, तो 100 में से 15 सीट कहाँ आएंगी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में। KGMU है, KGMU में से 100 में से 15 सीट कहाँ आएंगी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, मतलब उन 15 सीट पे इंडिया का कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो बाकी के 85 सीट्स पे क्या होगा, बाकी के 85 सीट्स पे उसी स्टेट का बच्चा एडमिशन ले पाएगा। जैसे KGMC आपका UP में है, तो बाकी के 85% सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ UP के बच्चों का हक है, और 15% सीट पे कोई भी ले सकता है, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, कोई भी ले सकता है। ठीक, अच्छा, अब ये जो 15% सीटें हैं इनमें कट ऑफ अलग अलग जाती है, हो सकता है यूपी के कॉलेज के 15% सीटों के कट ऑफ अलग हो, बिहार की अलग हो, राजस्थान की अलग हो, तो इनकी मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ ताकि आप प्रेफरेंस लिस्ट भरने में ये ध्यान रख सको कि किस कॉलेज की कट ऑफ हाई है, हमें वहाँ नहीं भरना है अगर हमारे मार्क्स कम है, किसी कॉलेज की कट ऑफ कम है तो हमें वहाँ भरना है, उस स्टेट का भरना है क्योंकि हमारे मार्क्स कम है। समझ गए, तो प्रेफरेंस भरने में आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। तो पहले ये समझ लो कि कौन से स्टेट के 15% सीट्स की उसकी जो कट ऑफ है हाई जा रही है, कौन से कॉलेज की, कौन से स्टेट के कॉलेज की, तो वो कॉलेजेस आप नीचे रखना, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपके मार्क्स कम है फिर भी आप कॉलेज चाह रहे हो तो। ठीक है, वन बाई वन डिस्कस करते हैं। एक बात आप लोग ध्यान में रखना कि जब भी मैं स्टेट कह रही हूँ, मैं कहूँगी इस स्टेट की कट ऑफ, इस स्टेट की कट ऑफ, इस स्टेट की कट ऑफ, तो आप इसको स्टेट काउंसलिंग से कंफ्यूज मत करना बच्चों, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात चल रही है। ऑल इंडिया कोटा में जो 15% सीट्स हैं हर स्टेट की, उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी कि यूपी के 15% सीट्स की कट ऑफ क्या है, बिहार के 15% सीट्स की कट ऑफ क्या है। मैं उस इसके स्टेट काउंसलिंग की 85% सीट की बात नहीं कर रही हूँ, उसके कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो आप यहाँ उससे कंफ्यूज मत होना, मैं जब भी स्टेट कहूँ आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात चल रही है, लेकिन पर स्टेट वाइज बता रही हूँ ताकि आपको प्रेफरेंस फिलिंग में आसानी हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये एकदम क्लियर अपने माइंड में रखना, ये स्टेट काउंसलिंग की बिल्कुल बात नहीं है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात है 15% सीट्स पे। ठीक, तो चलो वन बाय वन स्टेट वाइज स्टार्ट करते हैं कि और आप डिसाइड कर पाना, मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि किस स्टेट की कट ऑफ हाई है, ताकि अगर आपके मार्क्स कम हो तो उसे आप नीचे रखना और जिसकी कट ऑफ कम है उसको आप ऊपर रखना। प्रेफरेंस फिलिंग का वैसे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, वहाँ ये बात दोहराऊंगी, पर अभी आप इसको अच्छे से दिमाग में बसा लो ताकि आपको समझ में आए, और कल जब आप प्रेफरेंस फिलिंग करो तो आप कोई गलती मत करो, क्योंकि करेक्शन का आपको कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और मेजरली बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ बच्चों हाई जाती है, आप जानते हो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये सब की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है वो 16,000 से 17,000 रैंक तक जाएगी, यानी कि अगर आपकी रैंक 16,000 या 17,000 तक है तो आप यूपी के कॉलेजेस ऊपर रखोगे, अदरवाइज आप दूसरे कॉलेजेस को ऊपर रखना जो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यूपी के कॉलेजेस की कट ऑफ जो है वो 16 से 17,000 रैंक तक जाएगी। मैं यहाँ रैंक की बात कर रही हूँ क्योंकि मार्क्स मैंने समझाया आपको, एक एक मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए रैंक कहना यहाँ पे ज़्यादा सही होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो उसको 20,000 से 21,000 रैंक तक के कट ऑफ जाएगी, छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस के लिए 20,000 से 21,000 तक कट ऑफ जाएगी रैंक की, ये रैंक की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा में 21,000 से 22,000 रैंक तक की कट ऑफ जाएगी, कर्नाटका में अगेन 21,000 से 22,000 रैंक तक की कट ऑफ जाएगी, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो 17,000 से 18,000 तक की रैंक कट ऑफ जाएगी, मध्य प्रदेश में अगेन 17,000 तक जाएगी, और राजस्थान में काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है तो 15,000 से 16,000 मैक्स, 16,000 मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, शायद ही 16,000 पे मिल पाए, 15,000 तक है, 15,500 तक आपकी रैंक है तो आप पार्टिसिपेट करो राजस्थान के कॉलेजेस के लिए, राजस्थान के ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कॉलेजेस के लिए। ठीक है,
जम्मू कश्मीर में 20,000 से 21,000 तक रैंक जाएगी, ठीक है। इसके बाद असम की बात करूँ तो असम या जो नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस हैं वहाँ की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है, तो असम के कॉलेजेस में 22,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 23,000 तक कट ऑफ जा सकती है रैंक की। अरुणाचल प्रदेश में 22 से 23,000, आंध्र प्रदेश में 22,000, अंडमान निकोबार में आपकी 20,000 तक जा सकती है, ठीक है। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में 21,000 से 22,000 तक जा सकती है कट ऑफ रैंक। तेलंगाना में 22 से 23,000, गोवा में 12,000 तक जा सकती है, नागालैंड में 22 से 23,000, ठीक है। दिल्ली की तो पूछो मत बच्चों, दिल्ली का तो 1400 रैंक तक ही कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और सबसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस दिल्ली में हैं। तो दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छा तो यही रहेगा कि वो अपने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, अगर वो दिल्ली में ही कॉलेज चाहते हैं तो स्टेट काउंसलिंग दिल्ली के बच्चों के लिए वरदान है, वरना दिल्ली पर सारा बाहर के बच्चों का कब्जा होता, ठीक है। तो दिल्ली स्टेट की जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की कट ऑफ है वो 1400 रैंक है मात्र, ठीक है। अच्छा, त्रिपुरा के कॉलेजेस में 21 से 22,000 रैंक तक, पंजाब के कॉलेजेस में 11 से 12,000, यहाँ भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ कॉलेजेस बहुत कम है। फिर है वेस्ट बंगाल में 20 से 21,000 रैंक जाएगी आपकी, हरियाणा में 14 से 15,000, महाराष्ट्र में 19 से 20,000, उत्तराखंड में 15 से 16,000 तक रैंक जाएगी आपकी। मैंने सारे स्टेट्स कवर कर दिए, जितने भी स्टेट हैं इंडिया में जितनी भी कट ऑफ जाती है वो मैंने सारी कवर कर दी। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है अभी अभी स्टेट में रैंक वाइज, वो सब जनरल वाले बच्चों के लिए है। एससी एसटी वाले बच्चे थोड़ा रैंक बढ़ा करके चलेंगे, खासकर एसटी वाले बच्चों के लिए जो मैंने शुरुआत में बताया वो उसके अप्रॉक्स सोच के चलेंगे, ठीक है। तो जनरल वाले बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने जनरल की स्पेशली कट ऑफ बताई है। आई होप आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत मेहनत से ये वीडियो में का मैंने डेटा कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, और सिमिलरली मैं प्रेफरेंस लिस्ट पे भी आपको डेटा प्रोवाइड करूँगी और बताऊँगी कि आपकी इतनी रैंक या इतने मार्क्स तक हैं तो आप कौन से कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट में पहले रखो तो आपको MBBS मिलने के चांस होंगे। सिमिलर वीडियो अगर आप BSc नर्सिंग और BDS पे चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। और एक बात बच्चों, अनूप सर ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कि कौन से मार्क्स वाले बच्चों को कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग भी मैटर करती है। काउंसलिंग कई तरह की है, ऑल इंडिया काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग है, आयुष की ऑल इंडिया काउंसलिंग है, आयुष की स्टेट काउंसलिंग है। किस बच्चे के लिए कौन से कोर्स में कितने मार्क्स पे किस काउंसलिंग में एडमिशन होगा, सर ने बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझा रखा है। और काउंसलिंग कितने तरह की होती है ये भी समझा रखा है, आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको काउंसलिंग की प्रोसेस ही नहीं समझ में आएगी तो आप एडमिशन कैसे लोगे। जितना आप सिलेबस पढ़ते हो, एग्जाम पढ़ते हो, जितना इंपॉर्टेंट वो है उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए एडमिशन प्रोसेस भी है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और भी कोई दिक्कत कोई परेशानी होती हो तो ज़रूर बताओ। और थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, हम भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि दिन भर इस काम से हम लोग कभी कभी क्योंकि इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें बदल रही हैं और हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम टाइम टू टाइम आपको हर बदलती चीज़ों की अपडेट देते रहें। तो इस वजह से हमने भी अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है व्लॉगिंग से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, वो आप देख सकते हो। @AnoopSumanYatra नाम से चैनल है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, वो आप देख सकते हो। इट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, कोई कंपल्सरी नहीं है, आपकी इच्छा है आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। कोई गलती मत करना बच्चों, का फॉर्म सही से भरना। और सिक्योरिटी फीस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैंने इस वीडियो में बताया है कि सिक्योरिटी फीस आपको कैसे भरनी है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। वो भी आप देख लेना, लिंक दोनों का मैं लास्ट में दूंगी। हर एक काम यहाँ सावधानी से करना, क्योंकि यहाँ करेक्शन विंडो नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और पैसे रिफंड अगर आप गलत भरोगे तो पैसे रिफंड भी नहीं आएंगे। 10,000, 20,000, 1,00,000 कोई आसान बात तो है नहीं, ठीक है। 2-2 लाख रुपए तक की डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस लग रही है आपकी सिक्योरिटी फ़ीस, इतने पैसे जाना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए सावधानी से काम करना, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश कि आप लोगों को कॉलेजेस मिले, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले और आप लोग अच्छे से अपनी काउंसलिंग करा पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।